विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल ने मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। बिहार के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी, दरभंगा एम्स का किया उद्घाटन, 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास। दरभंगा एम्स से निर्माण से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि 2003 में अटल कार्यकाल के दौरान पहली बार एम्स पटना के निर्माण का निर्णय लिया गया, दूसरी बार 2015 में दूसरे एम्स के दरभंगा में निर्माण का निर्णय लिया गया। बिहार के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के मतदाताओं को वोटिंग करने की अपील की। कहा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में हिस्सा लें वोटर्स। जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने शारदा सिन्हा को याद किया। कहा, मैं मिथिला की धरती की बेटी ईश्वर कोकिला शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, बिहार में जब तक नीतीश कुमार सरकार में नहीं आए तब तक गरीबों की चिंता को लेकर कोई गंभीरता नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। तिरुवमंडी केरल से खबर, जहां वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका वाड्रा ने उत्पड़ी पंचायत तिरुवंडी में स्थित मतदान केंद्र का दौरा किया और मतदाताओं से बात भी की। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने मतदान किया। लोग जेएमएम के खिलाफ हैं, इस बार लोग बीजेपी का साथ देंगे। जेएमएम इंडिया गठबंधन सरकार के 5 साल हो गए लेकिन उन्होंने कहीं भी रोजगार नहीं दिया। लोग इस सरकार के झूठ को समझ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दक्षिण विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी। उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी ने परिवार समेत मतदान किया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मतदान किया। कल्पना सोरेन ने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। मतदान से पहले 48 घंटों के साइलेंट पीरियड में कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है क्योंकि राहुल गांधी चुनाव आयोग को गंभीरता से नहीं लेते, ऐसा आरोप संबित पात्रा लगा रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सीनियत ने कहा, मैं उम्मीद करती हूं उत्तर प्रदेश की और भाजपा की सरकार इसका अनुसरण करते हुए इसे बंद करेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग जारी। 1,37,00,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में 43 में से 14 सीटें कोल्हान की, वहीं 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर, 9 सीटें पलामू, 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की है। झारखंड की 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में से 20 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है, इसमें महिला वोटर ज्यादा हैं। पहले फेज में 683 कैंडिडेट चुनावी मैदान में। पहले चरण के दिग्गजों में शामिल चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन, मीरा मुंडा, पूर्णिमा दास साहू, डॉक्टर रामेश्वर उरांव और सीपी सिंह। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से मतदान बूथों पर लंबी कतारें लगी हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ साथ लोकसभा की एक सीट केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर मतदान जारी। वायनाड में प्रियंका वाड्रा की परीक्षा हो रही है। गुजरात के भरूच में चलती ट्रेन में लगी आग, यात्रियों ने ट्रेन से लगाई छलांग। बर्निंग ट्रेन बनी मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस, मौके पर अफरा तफरी, आग पर पाया गया काबू। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच पर सियासत तेज, बोले उद्धव बार बार ऐसा करना गलत। सोलापुर में हुई थी उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी। चुनाव आयोग ने सफाई में कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी हुई है जांच। बढ़ सकती है बीजेपी सांसद और एक्टर कंगना रनौत की मुश्किल। आगरा कोर्ट ने कंगना के खिलाफ नोटिस जारी किया। किसानों के खिलाफ दिए बयान पर यह नोटिस जारी किया गया है। आरजीकर रेप मर्डर के आरोपी संजय राय के आरोपों से बंगाल शासन प्रशासन में खलबली। पूरे मामले में राज्यपाल ने सीएम ममता से रिपोर्ट मांगी।
गुजरात के अहमदाबाद में डॉक्टरों ने बड़ी लापरवाही की। तीमारदारों को सूचना दिए बगैर मरीजों का एंजियोप्लास्टी कर दी। दो मरीजों की मौत के बाद बवाल मच गया है। गुजरात सरकार ने जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सुनाया फैसला। जज नहीं बन सकते अफसर, तय न करें कि दोषी कौन। डीआरडीओ ने रचा इतिहास। पहली बार लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ की सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। इस एंटी शिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर की है। मिसाइल की सभी उप प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया और अपने प्राथमिक मिशन के उद्देश्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। मिसाइल ने पॉइंट नेविगेशन का इस्तेमाल कर अपने पथ का अनुसरण किया। विभिन्न ऊंचाइयों और गति पर उड़ान भरते हुए अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन किया। ये मिसाइल परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मिसाइल के परीक्षण की निगरानी नोएडा के महर्षि यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रैगिंग को लेकर सीनियर और जूनियर छात्रों में जमकर हुई मारपीट। सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को जमकर पीटा। आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद हुआ जोरदार धमाका। 10 से ज्यादा लोग घायल, कई की हालत गंभीर। पार्किंग विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। लात घूसों के साथ मारपीट। युवक पर बरसाई गई लाठियां, वीडियो वायरल। प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन का आज तीसरा दिन। समर्थन में लखनऊ में भी छात्रों ने निकाला विरोध मार्च। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बोला, नकल माफिया और अवैध कोचिंग नहीं चाहते। दो दिनों की परीक्षा, छात्रों को कर रहे हैं बरगलाने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के झांसी में एसडीएम लिखी गाड़ी पर नाची लड़की और लड़का। बोनट पर खड़े होकर युवक युवती ने जमकर किया डांस। बजता रहा सायरन और दोनों ने लगाए जमकर ठुमके। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण की मार। एचक्यूआई कई स्थानों पर 700 के पार। दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 941, जहांगीरपुर में 999, शाहदरा में 690 और नोएडा में 828। पिछले पखवाड़े से कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी पर तैर रही जहरीली झाग। लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में किया गया रिकॉर्ड। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में तड़के छाया रहा प्रदूषण। बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ एक्यूआई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 941 पहुंचा, जिसका लेवल बहुत खराब बताया जा रहा है। इंडिया गेट के आसपास के इलाके में रोजाना सुबह देखी जा रही धुंध की परत। एक्यूआई 400 के पार, जो कि बहुत खराब श्रेणी में। उधर मुंबई में बिछाई प्रदूषण के धुंध की परत। मुंबई में धुंध की मोटी परत बीते एक हफ्ते से छाई हुई है। प्रदूषण की मार से पीड़ित यूपी के मुरादाबाद और आसपास के इलाके। मुरादाबाद के इलाकों में छाई धुंध की चादर। व्हाइट हाउस में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे जो बाइडेन। दोनों के बीच 3 दशकों में हो रही पहली मुलाकात। जनवरी में होना है ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल। राजनीति, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे प्रिंस फैजल। सऊदी अरब में अरब इस्लामिक समिट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेइज्जती। पिछली लाइन में मिली शाहबाज को जगह। शाहबाज शरीफ की बेइज्जती पर भड़के पाकिस्तानी। डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्स को बनाया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉकस के प्रमुख वॉल्ट्स अमेरिका की मजबूत सुरक्षा नीति की करते हैं वकालत।
फॉक्स न्यूज के होस्ट पीट हेक्सेथ को ट्रंप ने बनाया रक्षा मंत्री। इराक और अफगानिस्तान में सैन्य सेवा दे चुके हैं पीट हेक्सेथ। 2012 में मिनेसोटा में सीनेट के चुनाव में असफल रहे थे हेक्सेथ। डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला प्रमुख एलन मस्क को भी दी बड़ी जिम्मेदारी। उद्यमी से नेता बने विवेक रामास्वामी के साथ टेस्ला प्रमुख एलन मस्क संयुक्त तौर पर सरकारी दक्षता DOGE का नेतृत्व करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, मैं खुश हूं, ग्रेट एलन मस्क और अमेरिकी देशभक्त विवेक रामास्वामी दोनों दिग्गज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग को संभालेंगे, जो सेव अमेरिका मूवमेंट के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप ने लिखा, मस्क और रामास्वामी दोनों शानदार शख्सियत। नई सरकार में नौकरशाही को खत्म करने, फिजूल खर्च कम करने, गैर जरूरी नियमों को खत्म करने और संघीय एजेंसियों में सुधार पर करेंगे काम। इससे पैसे की बर्बादी करने वाले लोगों को साफ संदेश मिलेगा। ट्रंप ने कहा, यह हमारे समय का बन सकता है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दरअसल रिपब्लिकन नेताओं ने लंबे समय से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के उद्देश्यों को पूरा करने का सपना देखा है। लाहौर के जहरीले धुंध के बादल अब अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान और इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई शहरों पर स्मॉग का संकट। पाकिस्तान के पंजाब में एक महीने के दौरान 18 लाख लोग बीमार। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पंजाब में 5 दिनों के लिए स्कूलों को बंद किया गया। लाहौर और मुल्तान काली धुंध की चादर में लिपटे। शहर सड़कें स्मॉग से ढकी नहीं दिखाई दे रही इमारत। पूरे पाकिस्तान में हवा की खराब स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों ने पीएम शहबाज शरीफ से लगाई गुहार, निर्णायक फैसला लेने की गुहार। और